दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के एपिसोड 2 में। आइए आज हम चलते हैं नीलकंठ धाम के दर्शन को। नीलकंठ धाम पोइछा में स्थित है और यह एक स्वामी नारायण मंदिर है। इस मंदिर की विशालता, भव्यता और खूबसूरती बहुत ही दर्शनीय है। इस मंदिर की दिव्यता इतनी है कि जो यहाँ एक बार दर्शन कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। नीलकंठ धाम भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए वडोदरा एक बहुत ही उत्तम रेल हेड है। वडोदरा में एयरपोर्ट भी है और हिंदुस्तान के हर भाग से वडोदरा के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। अगर ज़रूरत हो तो वडोदरा में बजट से लेकर लग्जरी होटल्स तक सारे कुछ अवेलेबल हैं। वडोदरा से सड़क के रास्ते से नीलकंठ धाम पहुंचा जा सकता है। वडोदरा से लगभग 1.5 घंटे का समय लग सकता है। कार पार्किंग मंदिर के परिसर में उपलब्ध है और एक विशाल पार्किंग है। पार्किंग की जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी। द्वार पर ही मनमोहक छठा आपको आकर्षित कर लेगी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पूरे परिवार के साथ तस्वीर लेना ना भूले। नर्मदा मैया के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री स्वामी नारायण सभी अवतारों के स्रोत हैं। स्वामी नारायण भगवान समस्त मानवता के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव यहां पहुंचकर बहुत आसानी से लग सकता है। नीलकंठ धाम बहुत बड़ा एरिया है। ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स, मुख्य मंदिर, मंदिर के आसपास परिक्रमा पथ नीलकंठ सरोवर के चारों तरफ है। परिक्रमा स्थल पर विभिन्न अवतारों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस परिक्रमा पथ पर नीलकंठ सरोवर के चारों ओर पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा अवश्य करें। नीलकंठ स्वामी नारायण मंदिर पोइछा गुजरात। मंदिर है, संध्या वंदन में हाथी पर एक छोटा जुलूस निकलता है। यह अत्यंत दर्शनीय है। मंदिर के सामने विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं जहां माउथ फ्रेशनर, मुख वॉश से लेकर चिप्स तक सब कुछ उपलब्ध है।
और फूड कोर्ट में तो जैसे सारे हिंदुस्तान के व्यंजन उपलब्ध हैं, इतने रीजनेबल रेट्स में और बहुत टेस्टी। यहाँ के सबसे बड़े आकर्षणों में शामिल यहाँ के शाम हैं। पूरे मंदिर परिसर को बहुत ही सुंदर लाइट्स इस तरह सजाया जाता है कि पूरे स्थल को ये दिव्य बना देती है। ऐसे प्रकाश से आध्यात्मिक शांति और मन को मोह लेने वाला दोनों का अनुभव एक साथ होने लगता है। जितना हो सके यहाँ के शाम को अपनी आंखों में भर लें, अपने मन में जरूर बसा लें। करने को बहुत कुछ है, एग्जीबिशन जोन, डिस्प्ले जोन, फूड कोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पास में ही प्लांट है जहाँ बच्चे अपना पूरा समय निकाल सकते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग तरह की गेम्स के अलावा ऐसी चीज़ें भी प्लांट है जिससे बच्चों का मन भी लगे और उनमें अच्छे संस्कार भी जन्म लें। और हाँ, चलते चलते आपके लिए कुछ टिप्स। मंदिर के परिसर में कम से कम 2 रात जरूर रुकें, शाम का आनंद लें, भगवान का दर्शन पूरी श्रद्धा से करें। हाँ, कम से कम 4 दिन पहले यहाँ एकोमोडेशन की बुकिंग जरूर कर लें। रहने की सुविधा बहुत ही अच्छी उपलब्ध है और एकोमोडेशन की बुकिंग फ़ोन करके किया जा सकता है। फ़ोन का नंबर है 9925033499। एक बात और, बिना रिजर्वेशन के कमरे मिलना मुश्किल होता है और जो समय आप रिजर्वेशन के समय बताएं उस समय तक ज़रूर पहुंच जाएं। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका रिजर्वेशन कैंसिल करके किसी और को दे दिया जाएगा। भोजन के लिए फूड कोर्ट सर्वोत्तम है। एक बात और बता दूं चलते चलते, आसपास दूसरा होटल नहीं है इसलिए रिजर्वेशन ज़रूर करवा लें, क्योंकि रिजर्वेशन आपके एकोमोडेशन को कंफर्म करता है और आपको यहाँ के शाम को एंजॉय करने का, इसकी श्रद्धा में डूब जाने का पूरा देता है। चलिए अगली बार मिलेंगे एपिसोड 3 में किसी और डेस्टिनेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।